दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर हम लोग रोज रनिंग परफॉर्म करते हैं, रोज रनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी पे क्या क्या असर होगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि ऐसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन केवल रनिंग करके आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं और साथ में हेल्दी भी रख सकते हैं। 90% बीमारियां आपकी बॉडी से खत्म हो जाएंगी अगर आप लोग रोज रनिंग को परफॉर्म करोगे। मैं आपको 10 बेनिफिट बताने वाला हूं रनिंग करने के, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट पे आते हैं। जब भी हम लोग रनिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे लेग्स मसल्स पे पड़ता है, तो इससे हमारी लेग्स मसल्स ट्रेन होती है। जैसे हमारी काफ मसल्स हो गए, हमारी ग्लूट्स हो गए, हमारी हैमस्ट्रिंग हो गए, साथ में हमारा कोर, हमारा जो एब्स मसल्स होता है वो भी ट्रेन होता है, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमें अपनी बॉडी को सीधा रखना पड़ता है, जिससे हमारे कोर पे, हमारे एब्स मसल्स पे असर पड़ता है। साथ में हमारे जितने भी शरीर के जोड़ होते हैं, जो पैरों के जोड़ होते हैं, वो सभी मजबूत बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग रनिंग करते हो तो आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा आपको एनर्जी फील होगी, साथ में आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, और जब ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बढ़ता है तो हमारे मसल मास इंक्रीज होता है। अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो तो आपका वेट भी उससे बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की, जो कि है जब हम लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग अगर हम लोग रेगुलरली करते हैं तो इससे हमारी हाइट इंक्रीज होती है। तो जो लोग अपनी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं उनके लिए रनिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया रनिंग करने से हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, हमारी बॉडी में HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। तो अगर आप लोग डेली रनिंग करोगे तो आपकी हाइट को भी इंप्रूव करेगा, हाइट को इंक्रीज करेगा। चौथे बेनिफिट पे आ जाते हैं, जो कि है ये हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूं कि जब भी आप लोग अपने लेग्स मसल्स का वर्कआउट करते हो तो इससे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हमारी पूरी ओवरऑल जो लेग्स मसल्स होती है वो ट्रेन होती है, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और जब हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो हमारी बॉडी बनने में आसानी होगी। उसके बाद आते हैं अपने फिफ्थ बेनिफिट पे। आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप अपने शरीर में मसल्स बनाना चाहते हैं, मसल मास को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो रनिंग करना बहुत अच्छा हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं या जो जिम ट्रेनर भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी एक्सरसाइज करने वाले होते हैं तो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज करने से पहले, जिसमें वो ज्यादातर लोग ट्रेडमिल पे रनिंग करते हैं। तो इससे होता क्या है कि उनकी बॉडी में उनको बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, साथ में ये आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है, तो साथ में मसल मास भी इंक्रीज होता है। अगर आप लोग वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट करने से पहले आप लोग अगर 5 मिनट हल्की सी रनिंग करते हो तो इससे क्या होगा कि जब आप लोग एक्सरसाइज करने जाओगे तो आपकी बॉडी का मसल माइंड कनेक्शन बन जाएगा, जो आपके वर्कआउट में बहुत ज्यादा मदद करेगा और आप ज्यादा से ज्यादा वजन उठाकर अपनी मसल मास को इंक्रीज कर पाओगे। उसके बाद आते हैं अपने सिक्स्थ बेनिफिट पे, जो कि होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है आज के टाइम में, सबसे जरूरी चीज है आपके दिमाग का तेज चलना, जो भी चीजें आप लोग पढ़ो वो सही से आपको याद हो जाए। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है रनिंग। अगर आप लोग रोज रनिंग करते हो तो ये आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है। आप जो भी चीजें पढ़ते हो उसे याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, उसके साथ में आप इंटेलिजेंट बनते हो, आपका दिमाग तेज होता है। तो डेली रनिंग करना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं। साथ में डेली रनिंग आपकी आई साइट को भी इंप्रूव करता है। मैंने पहले ही आपको बताया, आप सभी को यह बात पता भी है कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि हमारी पूरी बॉडी में जो हमारा दिल होता है वो खून को सर्कुलेट करने लगता है तेजी से, जिससे हर जगह, आप सभी को यह पता होगा कि हमारे खून में ही वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी चलती है। तो जब हमारा हार्ट सही से पंप करेगा ब्लड को तो पूरी बॉडी में अच्छे से खून पहुंचेगा, उस खून के साथ में सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, तो हम जो भी चीजें करेंगे हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, और सबसे जरूरी हमारी आई साइट और हमारा जो ब्रेन फंक्शन है, हमारा जो दिमाग है, वो बहुत तेजी से बहुत अच्छे से काम करेगा। उसके बाद आते हैं अपने सेवंथ बेनिफिट पे। आप सभी को ये बात पता है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने से होता क्या है, हम भारी भारी वजन उठाते हैं, हम बहुत ज्यादा पुशअप लगाते हैं, पुलअप लगाते हैं, तो इसमें हमारा जो मसल होता है, जो मसल फाइबर होता है, वो ब्रेक होता है और उसके बाद उसको रिपेयर करना होता है। तो अगर
आप लोग डेली रनिंग करोगे तो आपकी हार्ट बीट अच्छी होगी, आपका दिल का फंक्शन अच्छा होगा, तो आपकी बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट होगा, जिससे जहां पे आपकी मसल ब्रेक हुई है, मतलब आपने बाइसेप का वर्कआउट किया, तो अगर बाइसेप की मसल ब्रेक हुई है तो वहां पे सही से खून पहुंचेगा, जिस वजह से वो मसल सही से रिपेयर हो पाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती है, वर्कआउट करने के बाद जब हम आराम करते हैं तो हमारी बॉडी जो हमारी मसल्स रिपेयर होती है उसी से हमारी मसल्स बड़ी बनती है और भी ज्यादा वो स्ट्रांग बनती है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट की। देखिए, जब हम डेली रनिंग करते हैं तो सबसे अच्छा जो बेनिफिट वो ये होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, एंड्योरेंस बढ़ जाता है, साथ में हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, साथ में हमारी बोन्स जो हमारी हड्डियां होती हैं उन्हें भी मजबूत करने में मदद करता है। इसी के साथ में अगर आप लोग अपनी इम्यूनिटी को तेजी से बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना चाहते हैं, मसल मास को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप लोग सुनोवा का स्पिरुलिना का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये करता क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में मदद करता है, उसी के साथ में आपकी जो हड्डियां हैं उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपकी हड्डियां कमजोर होंगी तो आप ज्यादा से ज्यादा मसल्स ग्रोथ नहीं कर पाओगे, मसल्स ग्रोथ नहीं कर पाओगे तो बॉडी में एंड्योरेंस की कमी होगी, ताकत की कमी होगी आपकी बॉडी में। तो इसके लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसके दो टैबलेट आप लोग रोज खा सकते हो। अगर एक टाइम खाना खाने के बाद आपने एक टैबलेट खाया और दूसरे टाइम जब आपने खाना खाया तो आपने दूसरा टैबलेट इसका खा लिया, तो ये बहुत सारी चीजें आपके शरीर में इंप्रूव करेगा। सबसे जरूरी चीज, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो अगर आप लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हो, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा होता रहता है, तो वो सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी। ये एकदम ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। जो भी आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी आपकी मसल्स ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो इसको दूर करने में काफी मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट की, जो कि होता है फैट लॉस। अगर आप लोग डेली रनिंग करते हो और आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, आपका पेट निकला हुआ है, बहुत ज्यादा बॉडी में फैट है, तो आप लोग डेली रनिंग करना बहुत जरूरी है आपके लिए। इससे आपकी बॉडी का फैट लॉस होता है। एक बात को ध्यान रखना, अगर आप लोग बहुत ज्यादा मोटे हो तो बहुत तेजी से दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग हल्की जॉगिंग भी कर सकते हो, या आप लोग का वजन बहुत ही ज्यादा है तो आप लोग अगर धीरे धीरे चलते भी हो, ज्यादा देर समय के लिए आप लोग चलते हो, तो इससे भी आपका फैट लॉस होगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल रनिंग करके ही फैट लॉस होगा, हल्की जॉगिंग करोगे उससे भी आप लोग का अच्छा खासा फैट लॉस होता है। तो मतलब डेली रनिंग या डेली जॉगिंग आपका फैट लॉस करने में, आपका वेट लॉस करने में भी काफी मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं 10th बेनिफिट की, जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, आप सभी को मैं ये बार-बार बोलता हूं कि आप लोग चाहे जितनी बॉडी बना लो, अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होगा तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा तो आपकी बॉडी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना, माइंड को सबसे ज्यादा जो रिलीफ है, सबसे ज्यादा जो आराम है, वो कब मिलता है? वो उसे मिलता है रात में। और रात में तब मिलता है जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो, जब आप गहरी नींद लेते हो। तो अगर आप लोग डेली रनिंग करोगे तो सबसे अच्छा जो बेनिफिट होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप लोगों को बहुत अच्छी नींद आएगी। और वो जो नींद होगी उसे हम बोलते हैं क्वालिटी नींद, मतलब ऐसी नींद जिसमें आप बहुत अच्छे से गहरी नींद सोओगे, जिससे आपका दिमाग बहुत ज्यादा स्थिर होगा, शांत होगा, उसे रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा, जिससे आपकी ब्रेन की पावर बढ़ेगी, उसके साथ में आपकी जो बॉडी के फंक्शन है वो भी सही से काम करेंगे। तो दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट होते हैं रनिंग के, तो आप लोग किसी चीज का इंतजार मत करो, आज से ही आप लोग ये ठान लो कि हमें रनिंग करनी है और रनिंग परफॉर्म करो, इससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि डेली पुलअप करने से आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो देखिए स्क्रीन पे इस समय आप लोगों को एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो को देख लीजिए और आप सभी को पता चल जाएगा।